तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। काफी लोगों ने सवाल किए थे कि भाई इंस्टाग्राम की वीडियो कॉल सेफ है या नहीं, या फिर व्हाट्सएप से ज्यादा सेफ है या उससे कम, या फिर इंस्टाग्राम की जो चैटिंग है वो कितनी सेफ है, करना सही रहेगा या नहीं, मतलब प्राइवेट चैटिंग, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। अगर मैं सही हूं तो YouTube पर ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप WhatsApp से कंपेयर करते हैं Instagram को तो ये आपकी एक नादानी है, क्योंकि यहाँ पर WhatsApp सिर्फ पर्सनल चैटिंग मैसेजिंग ऐप है जहाँ पर आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, और Instagram एक फोटो शेयरिंग ऐप है जहाँ पर सेलिब्रिटी और उनके फॉलोअर्स होते हैं जिनके बीच रहते हैं, यानी कि एक पब्लिक रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है और ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम Instagram पर प्राइवेट चैटिंग करते हैं या फिर प्राइवेट वीडियो कॉल करते हैं तो क्या वो सेफ होगा, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से। तो देखिए, व्हाट्सएप पर आपको मिलता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर, जिसके तहत मैसेज भेजने वाला और रिसीव करने वाला इन दोनों के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं देख सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद भी नहीं। लेकिन Instagram पर ऐसा नहीं है, हालांकि Instagram पर भी इंक्रिप्शन मिलता है लेकिन वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर आपके मैसेज को एनालाइज किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग के लिए, चाहे वो मैन्युअली करे या फिर जो उसका सिस्टम है Instagram या Facebook का, चाहे वो करे एनालाइज के आप क्या क्या मैसेज कर रहे हैं ताकि आपको उसी के हिसाब से आपको एड दिखा सके। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट चैटिंग करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है वीडियो कॉलिंग की। तो अगर आप देखिए WhatsApp पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर मिलता है, जो कि ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल भी इनक्रिप्ट होती है। अगर कोई थर्ड हैकर्स भी अगर बीच में अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ से भी सेफ है और सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप Instagram पर करते हैं वीडियो कॉल तो यहाँ पर देखिए वही बात है, इंक्रिप्शन नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी थोड़ा रिस्क है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो चीज़ बताऊँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप WhatsApp को Instagram से कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन आप Instagram को Facebook से कंपेयर कर सकते हैं। Facebook के मुकाबले Instagram ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइवेसी फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आपको कोई बंदा फॉलो नहीं करता है, आपने प्राइवेट अकाउंट करके रखा है, तो वो कोई भी अननोन पर्सन है आपकी पोस्ट नहीं देख सकता है, और भी कई सारे प्राइवेसी फीचर मिल जाते हैं जो कि Facebook पर नहीं मिलते। तो Facebook से ज़्यादा सिक्योर है Instagram। हाँ, अगर आप Facebook पर Facebook Messenger के दौरान वीडियो कॉल करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं तो वहाँ पर आप सेफ हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा WhatsApp से ज़्यादा यहाँ पर आप सेफ नहीं। हालांकि मैं WhatsApp की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि भाई बहुत ज़्यादा सिक्योर है, WhatsApp से भी ज़्यादा बहुत सिक्योर एप्लीकेशन है, वो मैं आपको वीडियो बनाने की सोच रहा था, बना दूंगा वैसे इस पर, WhatsApp से भी ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन मैं इन तीनों में आपको बता रहा हूँ, इन तीनों से बेस्ट यहाँ पर मैसेजिंग ऐप आपका WhatsApp है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखिए Instagram और Facebook की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर Facebook भी आपके जो डेटा होती है, आपके मैसेजिंग और आप जो भी चीज़ शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड को या फिर पब्लिक में पोस्ट कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को Facebook अपने सर्वर पर स्टोर करता है। सेम यही चीज़ Instagram की पॉलिसी कहती है, जो भी आप चीज़ें Instagram पर पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं या मैसेजिंग करते हैं किसी से भी, वो सभी चीज़ें सर्वर पर स्टोर होती हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भैया वीडियो कॉल तो नहीं होती रिकॉर्ड, नहीं वीडियो कॉल नहीं होती रिकॉर्ड, लेकिन वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है उसमें, यानी कि WhatsApp से ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आपके मन में फिर भी ये सवाल आता है कि भाई हम इसको यूज़ करें या ना करें, तो देखिए अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो मॉडल हैं, फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, फोटो शेयरिंग करते हैं, आप फैन और फॉलोअर्स में मतलब इंटरेस्टेड हैं, सेलिब्रिटी के बीच पब्लिक के बीच रहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए Instagram है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जहां पर आप कुछ ऐसी मैसेजिंग कर रहे हैं जो आपके लिए प्राइवेट है या फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए WhatsApp है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आप WhatsApp की तुलना Instagram से नहीं कर सकते और ना ही इसकी सिक्योरिटी की तुलना आप Instagram से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये एक मैसेजिंग ऐप है जो कि पर्सनल मैसेजिंग ऐप है जहाँ पर आप पर्सनल चैटिंग और वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट और बिल्कुल पर्सनल Instagram पर वीडियो कॉल करते हैं तो आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ऐसी नादानी ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।